सानिया नौमई को जिला घेराव केस में अहम पेशरफ, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की एक एक मुकदमे में जमानत मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। दीगर मुकदमात में मुलजमान की जमानतों पर समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमतों में 9 रुपये फी लीटर तक के इजाफे की तवक्को। डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। मट्टी का तेल 5 रुपये फी लीटर महंगा होने का इम्कान। विफाक की हुकूमत आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का अगले 15 दिनों के लिए तायुन करेगी। किचन चलाना बहुत मुश्किल होया है तो बिल मैनू आ रहे हैं 35,000, 22,000, 12,000। असी इस हुकूमत को बड़ा सोचा सी कि सानू कोई मुफाद देगी पर यह भी डाकू चोर बन गए हैं। हर आवाम बिजली वालों मरी पई है। गरीब बंदा तो वैसे ही मर गया ना, इनू तो उठन ही नहीं दे रहे ना बत्ती वाले ना गैस वाले। गरीब बंदा कितने जाए दसो मैनू। 3 महीनों में इन्होंने बिजली की कीमतें 4 मरतबा बढ़ाई हैं और अब घर का जो यूनिट है वो 65 रुपये 50 पैसे कर दिया है जो कि गरीब अदा कर ही नहीं सकता। मैं रिक्शा चलाता हूँ, दिन की दिहाड़ी 500-600 रुपये पकड़ता हूँ, लेकिन बिजली का बिल अभी 200 से एक यूनिट भी ऊपर हो जाए तो 10,000 से ज़्यादा बिल पे करना पड़ता है। बिल जो है ना बहुत परेशान है। हम यकीन करें 200 यूनिट आता है, ठीक है, 200 से एक यूनिट भी ऊपर हो जाए और तकरीबन हज़ारों के हिसाब से बिल ऊपर आता है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है ना तकरीबन 210 यूनिट भी यूज नहीं हुए अभी, तो हमें जो है 10,000 से ऊपर ज़्यादा बिल आ गया। बिजली की बढ़ती कीमतों से परेशान आवाम हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि मुफ्त बिजली देने का वादा करने वाली हुकूमत रोज बिजली के निर्ख बढ़ा रही है। बच्चों का पेट पालें या हुकूमत को बिल अदा करें, अब तो नौबत घरों का सामान बेचने तक पहुंच चुकी है। बजट के बाद बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफा। महकमा फाइनेंस और PND बोर्ड ने तरक्याती मनसूबों के लिए नए MRS रेट जारी कर दिए। मनसूबों की लागत में 20% तक इजाफा मुतवक्के है। बजट में शामिल तरक्याती कामों की लागत का सरेनो जायजा लेने का फैसला। पंजाब हुकूमत को रिवाइज्ड PC बंद जमा करवाए जाएंगे। सीवरेज लाइनों की तब्दीली पर लागत 12 अरब से तजावज कर गई। वासा सिस्टम अपग्रेडेशन की लागत 20 अरब से जायद होने की तवक्को है। चीफ एग्जीक्यूटिव ब्लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की तमाम सब डिवीजन में खुली कचहरियों के इनाकात की हिदायत। बोले, तमाम सब डिवीजन्स में रोजाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक खुली कचहरी लगाई जाए। SDOs, XCN और SEs खुली कचहरी में मौजूदगी को यकीनी बनाएं। ट्रांसफार्मर्स और नए मीटर्स की तनसीब और मीटरों की तब्दीली से मुतालिक शिकायत का इजाला किया जाए। CO ब्लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का मुख्तलिफ सब डिवीजन्स का दौरा। खुली कचहरियों में सायलीन के मसाइल सुने। शहर में मुहर्रम हराम के हवाले से तैयारियां मुकम्मल। 5 बड़े ए कैटेगरी के जुलूसों के रास्तों पर 895 क्लोज सर्किट कैमरे नस्ब। जिले इंतजामिया के मुताबिक जुलूसों के रास्तों पर पैचवर्क लाइट्स, क्यू कार्ड पाइप्स और खारदार रुकावटी तारें नस्ब कर दी गई हैं। DC ऑफिस में A, B और C कैटेगरी जुलूसों के रूट्स पर निगरानी का अमल जारी है। नो जोन्स में मिसिंग मैन होल्स, कवर, जनरेटर्स, पैचवर्क और लाइट्स लगाई गई। पंजाब भर में मुहर्रम हराम के जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। 65,000 पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर तैनात। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस को इंतहाई अलर्ट रहने की हिदायत। बोले, मजालिस जुलूसों अजादारों की सिक्योरिटी पर हरगिज समझौता नहीं किया जाएगा। मजालिस और जुलूसों की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। आठवें मुहर्रम हराम के मौके पर शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर 5,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार तायुनात। CCPO लाहौर बिलास सदी कमियाना कहते हैं, मुहर्रम हराम के पुरअमन इनाकात के लिए शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। महकमा दाखिला के जारी SOPs पर मिनोअन अमल किया जाए। कंट्रोल रूम्स और कैमरों से मजालिस और जुलूसों की मॉनिटरिंग की जा रही है। MT
निवासा खुफरान अहमद के जेर सदारत अहम इजलास मुहर्रम अल-हराम की तैयारियों शिकायत डिसिल्टिंग ऑपरेशन रेवेन्यू कारकर्दगी का जायजा। मुहर्रम अल-हराम के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। MD वासा का कहना था कि जुलूस रूट्स इमाम बारगाहों कब्रिस्तानों के तराफ गटरों पर ढक्कन की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। सफारी जू में बारिशों के बाद सॉल्ट रेंज में पानी जमा, 2 अरब से जायद की लगाई गई खती रकम का पोल खुल गया। सफारी जू का सॉल्ट रेंज काम होने के बाद बंद कर दिया गया। इंतजाम के मुताबिक सॉल्ट रेंज पर कचरा ट्रैक पर टफ टाइल्स लगाने का काम जारी है। सफारी जू में मौजूद मुख्तलिफ फैसिलिटीज को ठेका जात पर देने का फैसला। डिप्टी डायरेक्टर सफारी जू तनवीर जंजुआ कहते हैं सफारी जू में स्टाफ की कमी के बाद ठेके पर देने का फैसला किया गया। सफारी जू में मौजूद मुख्तलिफ सहूलियात को ठेके पर देने से कारोबार में इजाफा और बेहतरी आएगी। ठेके पर देने का काम 1 महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाना एक चैलेंज। शहर में इको फ्रेंडली बसें चलने में अभी 5 माह का वक्त है। पहली बार 27 इको फ्रेंडली बसें रवां साल दिसंबर में चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों की प्री क्वालिफिकेशन में जोंग टोंग के लिए क्वालिफाई कर लिया गया। इलेक्ट्रिक बसों की दरामद के लिए फाइनेंशियल बिड भी रवां माह खोली जाएगी। सोशल सिक्योरिटी को पंजाब हुकूमत से मेडिकल कॉलेज बनाने की इजाज़त मिल गई। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू। कॉलेज में वर्कर्स के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। शहबाज हुकूमत ने फैसलाबाद में, PGI हुकूमत ने लाहौर में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया था। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में 10% ज़्यादा दाखिलों का फैसला। डायरेक्टर कॉलेजेस को हिदायत जारी। गुज़श्ता 2 सालों में सरकारी कॉलेजेस में कम एडमिशन रिकॉर्ड। गुज़श्ता साल कॉलेजेस में सिर्फ 6 लाख दाखिले हुए। दाखिलों के अहदाफ पूरे ना करने वाले कॉलेज सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिटनेस डिसिप्लिन ग्रुपिंग पर कोई समझौता नहीं। कौमी खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना भी लाजमी करार। चेयरमैन PCB के टीम की कारकर्दगी की बेहतरी के लिए बड़े फैसले। हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम बरकरार, मुद्दत 1 बरस कर दी गई। लीग्स खेलने के लिए NOC के इजरा के लिए टेक्निकल तरीका वजह गैरी क्रिस्टर और जेसन ग्लिस्पी सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया गया। 9 मई को थाना शादमान जलाने के केस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्दी जुर्म आयद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर गुवाहान को तलब कर लिया। फाजिल जज खालिद अरशद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से कोट लखपत जेल लाया गया। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही और दीगर मुलजमान पर आज फर्दी जुर्म आयद ना हो सकी। एंटी करप्शन कोर्ट ने समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। चौधरी परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत पर मुलजमान को पेश होने की हिदायत। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सफदर हुसैन भट्टी ने केस की समाअत की। सरकारी कॉलेजेस में बेहतर तालीमी सहूलियात की फराहमी का मंसूबा। महकमा तालीम का एक ही कॉलेज में 3 साल से ज्यादा तायुनात प्रिंसिपल्स को तब्दील करने का फैसला। लाहौर समेत सूबे भर के कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को तब्दील किया जाएगा। DPI कॉलेजेस ने लिस्टों की तैयारी शुरू कर दी। फैसले का मकसद सरकारी कॉलेजेस की कारकर्दगी को बेहतर बनाना और इनरोलमेंट को बढ़ाना है। LDA की जानिब से कमर्शलाइजेशन फीस की रिकवरी ना किए जाने का इंकशाफ। 7 अरब 65 करोड़ 18 लाख 34 हज़ार रुपये की रिकवरी ना की गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिकवरी ना करने पर LDA पर एतराज़ उठा दिया। लाहौर न्यूज़ मुबैना तौर पर कमर्शल फीस की रिकवरी ना करने पर दस्तावेज़ात सामने ले आया।
शहर में डेंगू लार्वा के अफजाइश में खतरनाक हद तक इजाफा जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 21 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। शहर में 20,000 से ज्यादा डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद। अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 7 मरीज से इलाज है। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर कहते हैं कि लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू सर्विलेंस को तेज किया जा रहा है।